बिहार विधानसभा चुनाव और हैदराबाद के निगम चुनावों के बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसकी तैयारियों के लिए असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। इस बारे में ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। इस मीटिंग में 27% मुस्लिम आबादी वाले राज्य में पार्टी की मजबूती को लेकर बेहद विस्तार में बातचीत की गई। ओवैसी संग मीटिंग में शामिल हुए लोगों ने बताया कि ओवैसी जल्द ही पश्चिम बंगाल में जनसभा करके चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं और इसके तहत AIMIM महत्वपूर्ण सीटों पर ही फोकस करेगी। सूत्रों के मुताबिक AIMIM मुस्लिम बहुल जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और कुछ अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अगले साल यानी कि 2021 में होना है। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में ओवैसी ने संगठन की मजबूती को लेकर फीडबैक भी मांगा है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में हुई असदुद्दीन ओवैसी की मीटिंग में बंगाल के सभी 23 जिलों से नेता शामिल हुए थे, तो वहीं TMC के विधायक शौकत मुल्ला ने AIMIM पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बांग्ला मुस्लिम जानते हैं कि कौन उनके सच्चे फिक्रमंद हैं और कौन सिर्फ BJP का एजेंडा चलाने के लिए इसका दिखावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बदौलत यहाँ फिलहाल सब शांत है। वहीं आपको बता दें कि अब जल्द ही AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बंगाल विधानसभा चुनाव में बिगुल फूंकने वाले हैं।